Next is errors. Okay, first of all, what is error? हम बोलते हैं अरे error हो गया, practical करते हैं हमेशा, इतने का error आया, अरे zero error ये. Okay, what is error? First of all, friends, error is simply difference between standard value या true value. कोई भी एक object है उसकी exact size तो generally नहीं निकाली जाती है, लेकिन एक स्टैंडर्ड साइज हम मानते हैं या जिसको आप ट्रू वैल्यू भी बोल सकते हो. स्टैंडर्ड वैल्यू इज एब्सोल्युटली ओके. स्टैंडर्ड वैल्यू होती है उसकी या ट्रू वैल्यू होती है, करेक्ट है. और एक आप मेजर्ड करते हो, एक वैल्यू आप मेजर्ड करते हो, दैट्स कॉल्ड मेजर्ड वैल्यू. तो दोनों के जो बीच का डिफरेंस है उसको बोलते हैं एरर. उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? एरर. डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड या कुछ बुक्स में ट्रू भी बोलते हैं, ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू. मेजर्ड वैल्यू जो आपने कैलकुलेट करी प्रैक्टिकल के दौरान, ओके, एपरेटस से या जो भी है, ओके, दैट्स कॉल्ड एरर. ओके, एरर हमेशा मैनुअल मिस्टेक से आए जरूरी नहीं है. मिस्टेक्स अगर होगी ना, मिस्टेक वो मैनुअल एरर से ही होता है. जो प्रैक्टिकल कर रहा है स्टूडेंट उसकी गलती से होता है, मशीन पे एक ऑपरेटर उसकी गलती से ही होता है, करेक्ट है. लेकिन एरर के बहुत से कारण है. नंबर वन, इटसेल्फ इंस्ट्रूमेंट इज फॉल्टी. इंस्ट्रूमेंट ही खराब है फ्रेंड, हमेशा एरर आएगा. कुछ भी कर लो आप परेशान हो जाओगे, एरर नहीं जाएगा. नंबर सेकेंड, इंस्ट्रूमेंट इज ओके बट कैलिब्रेशन इज नॉट ओके. भाई इंस्ट्रूमेंट तो मार्केट से सही लाए, लेकिन जो लैब असिस्टेंट था आपका कॉलेज में, लैब परफॉर्म, आई एम सॉरी, प्रैक्टिकल जो परफॉर्म करता है असिस्टेंट, उसने उसकी सेटिंग रॉन्ग कर दिया फ्रेंड्स, गया काम से गया, करेक्ट है. कब कुछ भी करो एरर कम नहीं होगा. नंबर थर्ड, वर्किंग पैरामीटर्स. वो इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया गया है 30 डिग्री सेल्सियस के लिए. वो इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया गया है ऐसे लैब में जहां 30 डिग्री टेम्परेचर है. आप लेके उसको मई जून में पहुंच गए दिल्ली में, और ऐसी कॉलेज में कर रहे हो जहां एसी भी नहीं है, 50 डिग्री सेल्सियस टच होता है, गया. दैट इज ड्यू टू, यू कैन से, इन्वायरमेंट एरर, करेक्ट है. ऑफकोर्स ह्यूमन एरर भी है, आदमी की भी गलती है, ध्यान नहीं है, नींद में है, एरर दे रहा है. ऐसे बहुत से कारण फ्रेंड्स होते हैं जिसकी वजह से एरर्स आते हैं. ओके, तो दीज आर कॉजेज ऑफ एरर्स. एग्री? तो एरर क्या है हमने देखा, मिस्टेक से ये अलग कैसा होता है हमने देखा, क्या क्या इसके कॉजेज होते हैं, ऑफ कोर्स रेमेडीज भी है, आगे एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं. ओके, रेमेडीज में क्या है, बहुत सिंपल होता है. जैसा कि फॉल्टी आपका एपरेटस है, रिप्लेस द एपरेटस. फॉल्टी कैलिब्रेशन है, अच्छा एक इंजीनियर को बुलाओ, कैलिब्रेशन सही कराओ इंस्ट्रूमेंट का, करेक्ट है. ओके, फिर उसके बाद अगर ड्यू टू इन्वायरमेंट आता है, तो डेफिनेटली इन्वायरमेंट में आपके कंट्रोल में नहीं है, तो उस केस में हम लोग बच्चे को बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा रीडिंग लो और एवरेज लो, एरर कम हो जाएगा. जैसे एग्जांपल, बच्चा बोलता है सर मैं 5 रीडिंग्स दूंगा और उसका रिजल्ट दूंगा आपको, तो हम बोलते हैं बेटा 10 ले, फ्लक्चुएशन ज्यादा है टेम्परेचर के, बेटे 15 लो, लाइक दैट. तो इस तरीके से आप एरर्स को कम कर सकते हो. एरर एकदम एलिमिनेट, आप बोलोगे जीरो हो जाए, जनरली नहीं होता है फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत एरर सिस्टम में होता ही है. ओके, तो ये सब कहलाते हैं एरर्स. नेक्स्ट इज फ्रेंड, फ्रैक्शनल परसेंटेज एरर. आई रिपीट, फ्रैक्शनल परसेंटेज एरर. ओके, इसमें क्या है, बराबर देखिए. इफ सपोज डेल्टा एक्स, जनरली फ्रेंड्स एरर का सिंबल बताता हूं, डेल्टा से बताएंगे, डी से बताएंगे, कुछ बुक्स में ऐसा लिखते हैं डोए, इसको बोलते हैं डोए. ये सब जनरली डेरिवेटिव के सिंबल है, मैथ्स में आपने किया है, डेरिवेटिव के सिंबल्स है फ्रेंड्स ये. ओके, मैथमेटिक्स टूल्स में हमने ये सब डिस्कस किया है. डेल्टा डी डोए, मैं हैबिट डेल्टा की डालूंगा, मैं हैबिट डेल्टा की डालूंगा. ओके, ठीक है, स्टार्ट. इफ डेल्टा एक्स इज एरर इन रीडिंग एक्स, ओके, देन बराबर देखो फ्रेंड्स, अगर डेल्टा एक्स एरर है कितनी रीडिंग में, एक्स रीडिंग में, तो फ्रैक्शनल एरर किसको बोलते हैं, फ्रैक्शनल एरर किसको बोलते हैं, बराबर देखिए, डेल्टा एक्स ओवर एक्स, यानी एरर डिवाइड बाय रीडिंग, एरर डिवाइडेड बाय रीडिंग, करेक्ट. अब परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर किसको बोलते हैं, फ्रैक्शनल
परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर किसको बोलते हैं फ्रेंड्स, डेल्टा एक्स बाय एक्स, परसेंटेज के लिए एवरीबडी नोस, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, अब ये तो हो गया थ्योरी, सर प्रैक्टिकल से बताओ चीजें, प्रैक्टिकल या एग्जांपल से अच्छी समझती है। बराबर, देखिए बेटा एक ब्लॉक था समझो, ओके एक आयरन ब्लॉक था, एग्जांपल बेटा, इसकी लेंथ की स्टैंडर्ड वैल्यू थी 5.8 सेंटीमीटर, रिपीट एग्जांपल 5.8, स्टूडेंट पढ़ रहा है, यह है स्टैंडर्ड वैल्यू, ओके या रीडिंग जिसको बोल दो रीडिंग, इसकी इस केस में रीडिंग ना बेटा, ये रीडिंग थी, ओके स्टैंडर्ड रीडिंग थी ये, स्टूडेंट पढ़ रहा है, मेजर्ड कर रहा है, आई रिपीट मेजर्ड कर रहा है 6.3 सेंटीमीटर, मीटर इसके लाया, साहब ने ये देखा सर 6.3 सेंटीमीटर, करेक्ट है बेटा, कितने का एरर हुआ, डेल्टा एक्स कितना हो गया, थोड़ा दिमाग लड़ाओ, 6.3 माइनस 5.8 0.5, कितने का एरर किया, कितना गलती किया उसने, 0.5, एग्री, ओके। अब एग्जाम्पल साहब पूछते हैं भाई फ्रैक्शनल परसेंटेज एरर दो, तो देखो बेटा कैसा आएगा, परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर, ये देखिए डेल्टा एक्स बाय एक्स इनटू 100, कुछ भी नहीं सिंपल, बराबर देखिए फ्रेंड्स 0.5 डिवाइडेड बाय कितना 5.8 into 100, दैट्स इट, कुछ नहीं, जो इसका आंसर होगा सिस्टम के लिए वो माना जाएगा परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर, क्या किया डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, सिस्टम के लिए एक्स हो गया, रीडिंग है बेटा इनटू 100, इज दैट क्लियर, यस। नाउ फ्रेंड्स स्टार्ट, परसेंटेज एक्सपेरिमेंटल एरर, ओके उसका ही भाई है समझो, खाली नाम अलग बस, लेकिन इफ यू विल रीड समवेयर तो आपको पता होना चाहिए परसेंटेज एक्सपेरिमेंटल एरर। इसमें क्या है फ्रेंड्स, सपोज अगेन एक आयरन रॉड लिया मैंने, ओके इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू, ओके फ्रेंड्स एक वैल्यू आपने मेजर किया, दैट्स कॉल मेजर्ड वैल्यू या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, यू राइट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, जो आपने मेजर किया, दैट्स कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अब बराबर देखिए ये कैसा एरर निकलता है, परसेंटेज एक्सपेरिमेंटल एरर इज इक्वल टू, बराबर देखिए फ्रेंड्स स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड वैल्यू इनटू 100 फ्रेंड्स, इनटू 100 आराम से लिखिए, करेक्ट है, मॉड मॉड यानी अंदर माइनस भी है तो प्लस होगा आंसर, यानी बड़ा माइनस छोटा, दैट्स कॉल्ड मोड, ओके दैट्स कॉल्ड मोड, ओके स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड वैल्यू इनटू 100। अब एग्जांपल से बात करते हैं, समझो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू एग्जांपल थी 5.5 सेंटीमीटर, ओके मेजर्ड किया स्टूडेंट ने 5.8, कितना मेजर्ड किया 5.8 सेंटीमीटर, ओके अब बराबर देखिए कैसा आएगा फ्रेंड्स, बराबर देखिए स्टैंडर्ड वैल्यू कितना 5.5, कितना पड़ा ज्यादा, मोड है फ्रेंड्स माइनस नहीं तो सिस्टम ऑटोमेटिक उल्टा करेगा, कितना आएगा ये 5.8 माइनस 5.3, मोड यानी प्लस ही लेना है आपको, कैसा कर लिया सिस्टम ने 5.8 माइनस, इसको ब्रैकेट बना दो चलेगा, 5.3 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड क्या था फ्रेंड्स 5.5 इनटू 100, ये कहलाएगा फ्रेंड्स एक्सपेरिमेंटल परसेंटेज एरर। ओके नाउ फ्रेंड्स विल सी यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल एरर्स, ये क्या होता है यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल एरर्स, देखो बेटा कभी आपको ऐसा दिया रहेगा ए ओनली प्लस डेल्टा ए, इसका मतलब है ये रीडिंग है और इसमें प्लस डेल्टा ए अलाउड है,
प्लस डेल्टा ए अलाउड है, प्रैक्टिकली बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल, आई रिपीट एग्जाम्पल, ये 100 सेंटीमीटर का बार है और इस पे अलाउ, आई रिपीट, मैं अलाउ करना चाहता हूँ, 0.01 सेंटीमीटर सिर्फ प्लस, यानी अगर स्टूडेंट पढ़ेगा 100.01 उसको मैं सही दूंगा, इसको बोलते हैं यूनिलैटरल एरर। क्या बोलेंगे बेटा? यूनिलैटरल एरर। ओके, अब सपोज इस तरीके से दिया है, इस तरीके से प्लस माइनस, अब आप समझ गए, यानी दोनों अलाउड है। जैसे एग्जांपल, इसका 100% है साइज, ओके, यही बार है, सेम बार है, 100 सेंटीमीटर है, और प्लस माइनस मैंने 0.1 अलाउ किया है आपको, 0.1 यहां पर अलाउ करता हूं, ओके, प्लस 1। तो ऑफकोर्स जो स्टूडेंट 99.9 भी लिखेगा मैं सही बोलूंगा, जो स्टूडेंट 100.1 सेंटीमीटर भी लिखेगा मैं उसको सही बोलूंगा। क्यों? अरे इसने बोला है 0.1 कम भी चलेगा भाई साहब, 0.1 ज्यादा भी चलेगा। इज दैट क्लियर? ऐसे एरर्स को बोलते हैं बाइलैटरल, यानी दोनों बाजू चलेगा आपको। ओके नाउ फ्रेंड्स, वी विल हैव द वन, यू कैन से द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, डेफिनेटली व्हाट एवर वी थॉट सो फार, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एरर्स। He says that A is equal to 2.5 plus minus 0.5. Plus minus 0.5, आप समझ गए friends, ये error है, bilateral, दोनों चलेगा। Meter per second, यानी of course आप समझ गए velocity है, velocity का data है ना? Good. B is equal to 0.1 plus minus 0.01 seconds, ये time का है बेटा, ये number है, ये error है। Students, ये time है और ये उसमें error है ना, ये number है, ये इसका error है, समझ गए, seconds में, यानी किसका data है, time का data है। The examiner asks, फाइंड क्वांटिटी, आई रिपीट, फाइंड क्वांटिटी ए बी, दोनों का मल्टीप्लाई करके पूछो। ओके, पहले हम नंबर निकालेंगे, एरर को फ्रेंड्स बाद में करेंगे, एरर का काम डिफिकल्ट होता है, अभी हम नंबर निकालेंगे। सपोज एक्स इज इक्वल टू है ए बी, सपोज इस क्वांटिटी का नाम मैंने एक्स लिया, ऑफकोर्स आप सब समझ गए, डिस्टेंस होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, दैट विल बी डिस्टेंस। तो आपका ए बी क्या आएगा, बराबर देखिए फ्रेंड्स, ये आ गया 2.5 इंटू 0.1, जब इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 2.25, आई रिपीट, आंसर आएगा 0.25, यूनिट क्या होगी, ऑफ कोर्स मीटर, आराम से निकाल के रखिए, ये होगा मीटर्स। ओके, अब हमको निकालना है इसका एरर, हमको क्या कैलकुलेट करना है, एरर। फ्रेंड्स, एरर के लिए अभी कुछ मैं आपको पहले टिप्स बताता हूं, वो टिप्स में एरर होगा। सबसे पहले एरर के सम्स जब भी आएंगे जनरल, ओके, आप दोनों साइड लॉग लीजिए, टेक लॉग बोथ द साइड, तो ये आएगा लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए बी, दोनों साइड फ्रेंड्स आप लॉग लीजिए, तो ये आएगा लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए बी, करेक्ट है। अब देखिए फ्रेंड्स, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आपको सिखाया गया है मल्टीप्लाई में लॉग ऐड होता है, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, आराम से देखिए, करेक्ट। अब इसकी डेरिवेटिव कीजिए, सेम फॉर्मेट में हर सम होगा, डरने की जरूरत नहीं है, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट फ्रेंड्स, क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएट यानी डेरिवेटिव। अब आपको मैथमेटिक्स टूल्स में याद होगा लॉग फंक्शन की डेरिवेटिव कैसा करते हैं, फंक्शन नीचे इसकी डेरिवेटिव ऊपर, फंक्शन नीचे इसकी डेरिवेटिव ऊपर, फंक्शन नीचे इसकी डेरिवेटिव ऊपर, आराम से देखिए फ्रेंड्स, ए नीचे इसकी डेरिवेटिव ऊपर, डेरिवेटिव यानी एरर, डेल्टा, डेरिवेटिव यानी डेल्टा, बी ऊपर तो डेल्टा, आई एम सॉरी, बी नीचे डेल्टा बी ऊपर, आराम से देखिए, तो यहां से डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, डेल्टा ए ओवर ए प्लस डेल्टा बी ओवर बी इन टू एक्स, आराम से इन टू एक्स। ओके, अब कुछ भी नहीं फ्रेंड, सिंपल इसकी वैल्यूज डालिए। ओके, स्टार्ट, डेल्टा ए कितना दिया है फ्रेंड्स, 0.5, प्लस माइनस एन में डालेंगे, उसकी चिंता मत करो फ्रेंड, ए कितना दिया है 2.5, रीडिंग कितनी है 2.5, प्लस डेल्टा बी कितना फ्रेंड्स 0.01, बी कितना 0.1, ओके, एक्स कितना फ्रेंड अभी निकाले 0.25, आराम से देखिए, कुछ सेकंड्स रुकते हैं। ओके,
अब जब इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, आपका आंसर आएगा 0.08 या डेल्टा एक्स। तो आपका एक्स अब रीडिंग क्या हो गया, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। क्यों बायलैटरल, ये दोनों बायलैटरल है। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, एक्स का बराबर देखिए 0.25 प्लस और माइनस 0.08, ऑफ कोर्स इसकी यूनिट होगी मीटर्स। आराम से देखिए फ्रेंड्स, ओके नाउ फ्रेंड्स विल हैव द अनदर एग्जांपल। ही सेज दैट अ फिजिकल क्वांटिटी QTY यानी क्वांटिटी इज गिवन बाय x इक्वल टू m पावर a l पावर b t पावर c डिवाइडेड बाय t पावर c। द परसेंटेज एरर इन m l एंड t आर अल्फा बीटा एंड गामा, ऑफ कोर्स परसेंट रिस्पेक्टिवली। यानी फ्रेंड्स m का कितना परसेंट एरर है, अल्फा परसेंट, l का बीटा परसेंट, t का गामा परसेंट। ओके, इट सेज दैट फाइंड मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन x। तो x का मैक्सिमम परसेंटेज एरर आपको फ्रेंड्स निकालना है। ओके स्टार्ट, बराबर देखिए हर सम इस टाइप का जो होगा वो एक ही मेथड से होगा। जब भी ऐसे आपको सम्स दिए जाएंगे, परसेंटेज एरर जो है या एरर जो है कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के दिए गए हैं और उनके रिलेशन से एक फिजिकल क्वांटिटी बनी है और उस फिजिकल क्वांटिटी का आपको एरर निकालना है, तो ये सम्स एक ही फॉर्मेट में होंगे। वो फॉर्मेट दीजिए, इससे पहले क्लास में मैं एक्सप्लेन आपको कर चुका हूं। सबसे पहले हम लेंगे लॉग बोथ द साइड, लॉग बोथ साइड। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स, ये हो जाएगा लॉग ऑफ एम पावर ए, बराबर देखिए प्लस लॉग ऑफ एल पावर बी फ्रेंड्स माइनस लॉग ऑफ टी पावर सी। एग्री, माइनस क्यों, डिवाइड में लॉग माइनस होता है फ्रेंड्स, डिवाइड में लॉग माइनस होता है, हमने मैथमेटिक्स टूल्स में किया है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये पावर लॉग का रूल है, यहां मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए लॉग ऑफ एम प्लस फ्रेंड्स ये हो जाएगा बी लॉग ऑफ एल माइनस सी लॉग ऑफ टी। आराम से, ओके नेक्स्ट स्टेप में फ्रेंड्स करेंगे डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंशिएट यानी फ्रेंड्स इनकी डेरिवेटिव करना है, इस इक्वेशन की डेरिवेटिव करना है। सिखाया था लॉग वाला कैसा होता है, फंक्शन नीचे इसकी डेरिवेटिव ऊपर डेल्टा एक्स यानी डेरिवेटिव। फ्रेंड्स ए ऐसा ही, एम नीचे डेल्टा एम ऊपर, प्लस बी ऐसा ही, एल नीचे डेल्टा एल ऊपर, माइनस सी ऐसा ही, टी नीचे डेल्टा टी ऊपर। आराम से कुछ सेकंड्स फिर रुकेंगे फ्रेंड्स। ओके, अब नाउ नेक्स्ट, जो भी माइनस होंगे उसको फ्रेंड्स पॉजिटिव करेंगे। आई रिपीट, लॉग के केस में नेगेटिव में कैलकुलेशंस नहीं होते हैं, लॉग एरर्स में, ओके एरर के सम में नेगेटिव कैलकुलेशंस इस फॉर्मेट में नहीं होते हैं, वो आपको ऐड ही करना पड़ेगा। जैसा एग्जांपल, क्यों ऐसा वो भी बताता हूं। एक ट्रू साइज है 8, एक बच्चा पढ़ता है 8.2, एक बच्चा पढ़ता है 7.8, इसने 0.2 आगे पढ़ा, इसने 0.2 कम पढ़ा, अल्टीमेटली टोटल एरर सिस्टम में क्या हुआ 0.4, यहां का 0.2 यहां का 0.2 0.4, ये बच्चे ने नेगेटिव भी पढ़ा लेकिन अल्टीमेटली एरर के कैलकुलेशन में वो पॉजिटिव ही देके आंसर देता है। तो जनरली हम माइनस नहीं बताते हैं, जनरली हम माइनस नहीं बताते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे कन्वर्ट नेगेटिव इनटू पॉजिटिव, नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे कन्वर्ट नेगेटिव इनटू पॉजिटिव फ्रेंड्स। तो ये इक्वेशन बन जाएगा डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू ए डेल्टा एम बाय एम प्लस बी डेल्टा एल बाय एल प्लस सी डेल्टा टी बाय टी। आराम से कुछ सेकंड्स रुकेंगे, ये देखो माइनस का फ्रेंड्स मैंने प्लस कर दिया,
हमेशा बिंदास कर देना। अब पूछ रहा है परसेंटेज, पूछ रहा है परसेंटेज एरर, ओके आराम से मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंट के लिए ये हो गया डेल्टा एक्स बाय एक्स इनटू 100 इज इक्वल टू फ्रेंड्स ए डेल्टा एम बाय एम इनटू 100 प्लस बी डेल्टा एल बाय एल इनटू 100 प्लस सी डेल्टा टी बाय टी इनटू 100 आराम से फ्रेंड्स दोनों साइड मल्टीप्लाई बाय 100। अब थोड़ा दिमाग लगाइएगा इसके बदले क्या लिख सकते हैं परसेंटेज एरर ऑफ एक्स क्या लिख सकते हैं ऑफ कोर्स ना डेल्टा एक्स बाय एक्स इनटू 100 आपने बोला इट्स अ परसेंटेज एरर ऑफ एक्स ए ऐसा ही फ्रेंड्स ये देखिए डेल्टा एम बाय एम इनटू 100 ये क्या है परसेंटेज एरर इन एम कितना दिया है फ्रेंड्स फिर एक बार डेल्टा एम बाय एम इनटू 100 करेक्ट इस परसेंटेज एरर ऑफ एम दिया है अल्फा ये आ गया अल्फा प्लस बी इनटू डेल्टा एल बाय एल इनटू 100 परसेंटेज एरर ऑफ एल कितना दिया है फ्रेंड्स बीटा ये देखिए बी इनटू बीटा प्लस सी इनटू फ्रेंड्स डेल्टा टी बाय टी इनटू 100 गामा परसेंटेज एरर इन टी गामा तो फ्रेंड्स फाइनल आंसर क्या आया ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा आराम से देखिए फ्रेंड्स ओके अब इसका एक कट शॉट देता हूं अभी मैं इसका एक कट शॉट देता हूं जब भी परसेंटेज एरर पूछा है और दूसरी क्वांटिटीज के परसेंटेज एरर दिया है बराबर सुनिए फ्रेंड्स किसी क्वांटिटी का परसेंटेज एरर दिया है और उसके डिपेंडेंट क्वांटिटी का परसेंटेज एरर दिया है किसी किसी क्वांटिटी का परसेंटेज एरर पूछा है और उसके डिपेंड्स क्वांटिटीज का परसेंटेज एरर दिया है तो क्या करेंगे बराबर देखिए इसका परसेंटेज एरर इनटू इसका पावर प्लस इसका परसेंटेज एरर इनटू इसका पावर प्लस इसका परसेंटेज एरर इनटू इसका पावर फ्रेंड्स माइनस कहीं नहीं लाना सब प्लस ही होगा ये देखिए ये किया ना आपने पावर इसका परसेंटेज एरर पावर इसका परसेंटेज एरर पावर इसका परसेंटेज एरर इज दैट क्लियर सीधा ऐड कर देना इतने कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं होती है लेकिन याद रखना सिर्फ परसेंटेज एरर में ये खेल होगा हर जगह ये कट शॉट अप्लाई नहीं होगा ओके नाउ फ्रेंड्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन ही सेज दैट अ फिजिकल क्वांटिटी पी is equals to a b square over c under root d where percentage error of a b c and d are 1, 2, 3, and 4% respectively friends a ka percentage error 1 b ka 2 c ka 3 d ka 4 respectively find the percentage error of p iska percentage error nikalna hai friends okay start with cut shot direct इन सबके परसेंटेज एरर दिए इसका परसेंटेज एरर निकालना यू कैन अप्लाई कट शॉट डायरेक्टली स्टार्ट परसेंटेज एरर पी विल बी बराबर देखिए फ्रेंड्स इसका पावर कितना है फ्रेंड्स 1 इसका परसेंटेज एरर 1 प्लस इसका पावर 2 इसका परसेंटेज एरर फ्रेंड्स 2 प्लस इसका पावर 1 इसका परसेंटेज एरर 3 प्लस इसका पावर हाफ इसका परसेंटेज एरर फ्रेंड्स 4 आराम से इसका परसेंटेज एरर पावर परसेंटेज एरर प्लस पावर परसेंटेज एरर प्लस पावर परसेंटेज एरर फ्रेंड इट इज 2 1s are 2 2s आराम से देखिए फ्रेंड्स कितना हो गया ये 1 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 आराम से देखिए टोटल कितना आएगा फ्रेंड्स 10 ऑफ कोर्स परसेंटेज इज अ 10% ओके फ्रेंड्स नाउ विल सी द अनदर एग्जांपल ओके द करंट वोल्टेज रिलेशन ऑफ अ डायोड
is given by, what is diode? Diode is nothing but one electronic device, definitely we'll learn in purely semiconductors. Chapter ka naam hoga semiconductors and electronics. तो वहाँ एक डायोड डिवाइस होता है विच कंडक्ट्स द करंट्स, ओके, लेकिन कुछ उसकी कंडीशन फुलफिल होती है, वो वहाँ देखेंगे. अभी ये बोलता है कि आपको एक डायोड का करंट और वोल्टेज का रिलेशन दिया है, सच दैट I इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल, यानी e पावर 1000 V by T, ये पावर पे है फ्रेंड्स, 1000 V by T माइनस 1, I मुझे करंट, V मीन्स वोल्टेज, T यानी टेम्परेचर, फ्रेंड्स आगे बताएगा, अभी घबराऊंगा, ओके, मिली एम्पियर, करंट दिया है मिली एम्पियर में, ओके. Where applied voltage V is in volt. देखो बोल भी रहा है. V जो है ये volt में है. T is in Kelvin. Of course, temperature कहाँ में है? Kelvin में है. यानी ऐसा unit में है. कोई headache नहीं है. If students makes an error measuring plus minus 0.01 V, friends, सबसे dangerous data. बोलता है students, okay, error कर रहे हैं plus minus 0.01 V का. यानी ये दिया है voltage का error. देखो कैसा पकड़ा मैंने. ये वोल्टेज का एरर दिया है आराम से, कैसे एक एक डेटा पिकअप कर रहा हूं, ओके, आराम से. व्हाइल मेजरिंग द करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर, कब, जब करंट दिया है 5 मिली एम्पियर, फ्रेंड्स आई दिया है 5 मिली एम्पियर, उस वक्त ये एरर कर रहे हैं प्लस माइनस 0.01 का, ओके, स्टार्ट एट 300 केल्विन, उस समय टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, आराम से देखिए फ्रेंड्स. ओके, अब वो बोलता है व्हाट विल बी द एरर इन द वैल्यू ऑफ करंट इन मिली एम्पियर, तो जो करंट में वो एरर करेंगे वो क्या होगा फ्रेंड्स मिली एम्पियर में, दैट्स वेरी गुड. क्यों गुड? क्योंकि आपका डेटा मिली एम्पियर में, वो आपको करंट भी मिली एम्पियर में पूछ रहा है, यानी एरर भी मिली एम्पियर में ही देना है, कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, ओके, उसने एम्पियर में नहीं पूछा, ये अच्छी बात है, इन मिली एम्पियर, क्योंकि डेटा ही उसने मिली एम्पियर में दिया है, ओके, आराम से, ओके. तो डेल्टा वी इज प्लस माइनस 0.01, आई इज 5, टी इज 300, ओके, स्टार्ट. पहले क्वेश्चन लिखो, क्या दिया हुआ है, ई की पावर 1000 वी ओवर टी माइनस 1, आराम से, ओके फ्रेंड्स, 1 को यहां लीजिए तो क्या हो जाएगा, आई प्लस 1 इज इक्वल टू ई पावर 1000 वी ओवर टी, ओके फ्रेंड्स, टेक लॉग बोथ द साइड, log both side, okay, चलो देखते हैं, तो ये हो जाएगा log of I plus 1, ये हो जाएगा log of E power 1000 V over T, आराम से, कुछ सेकेंड्स रुकते हैं, ओके, अब इसको ऐसे लिखूंगा फ्रेंड्स, log of I plus 1 is equal to, अब आपको सिखाया गया है, ये लॉग के जो साथ नंबर है उस पर पावर है, ये मल्टीप्लाई बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000 वी ओवर टी इनटू लॉग ऑफ ई, फ्रेंड्स ये यहां आ गया, ओके. अब आपको मैंने मैथ टू में सिखाया, लॉग ई की वैल्यू होती है 1, लॉग ई बेस ई, अंडरस्टूड, यहां कुछ नहीं, यानी बेस ई है, क्या वैल्यू होती है 1, इसको हटा दो, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ आई प्लस 1 इज इक्वल टू 1000 वी ओवर टी, आराम से, कुछ सेकेंड्स रुकेंगे फ्रेंड्स, वही कर रहा हूं, कोई नए सम्स मत सीखिए, वही रूल पे जाऊंगा, लॉग लूंगा, अभी डेरिवेटिव करूंगा, स्टार्ट डिफरेंशिएट, अब वो बोल रहा है इसकी डेरिवेटिव करो, अब जरा संभाल के फ्रेंड्स, लॉग के जो साथ है वो पूरा नीचे आएगा, बराबर, देखो फ्रेंड्स इसकी डेरिवेटिव ऊपर, आई की क्या हो जाएगी, डेल्टा आई, 1 की डेरिवेटिव फ्रेंड्स 0, वो कांस्टेंट है, 1 की डेरिवेटिव 0, तो ये बन गया आई प्लस 1 डिनोमिनेटर में ऊपर डेल्टा आई, यहां पर फ्रेंड्स बराबर देखिए फ्रेंड्स, ये कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, खेल हो रहा है आई और वी में, वी की डेरिवेटिव फ्रेंड्स डेल्टा वी, वी की डेरिवेटिव डेल्टा वी, आराम से, ओके. अब देखिए आपको निकालना है डेल्टा आई, तो डेल्टा आई की क्या इक्वेशन हो जाएगी फ्रेंड्स, 1000 डिवाइडेड बाय टी के बदले क्या रख देंगे फ्रेंड्स, ये डेटा पे लाइन बना रहा हूं, ये आपका डेटा था, टी के बदली 300 बराबर है, ओ सॉरी नीचे चाहिए, आई एम सॉरी, थ्री के बदली 300, डेल्टा वी के बदली फ्रेंड्स, फ्रेंड्स डेल्टा वी के बदली क्या डालेंगे, ये देखिए 0.01 बराबर है, ओके फ्रेंड्स, न्यूमरेटर में ही
इनटू, अब ये चला गया यहां पर बराबर, देखिए आई यहां चला गया करेक्ट है, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स मल्टीप्लाई बाय, मैं यहां करता हूं, नेक्स्ट स्टेप में करता हूं, मल्टीप्लाई बाय 5 + 1 फ्रेंड्स, 5 कैसा आया, आई दिया है 5 + 1 ऊपर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 1000 इंटू 0.01 इंटू 6, 5 + 1 6 होल डिवाइडेड बाय 300। आराम से स्टेप्स देखिए फ्रेंड्स, मैं आंसर लिखता हूं अभी, आराम से स्टेप्स देखिए पहले। ओके, इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 0.2 मिली एम्पियर। आई रिपीट फ्रेंड्स, कितना एरर करेंगे स्टूडेंट्स करंट में, 0.2 मिली एम्पियर।